आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चार ऐसे जायंट एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में जिनके सामने मॉडर्न डे जायंट एनिमल्स कुछ भी नहीं है, और ये सीरीज का पार्ट 4 है, तो बाकी पार्ट्स को भी जरूर देखना। नंबर 4, जायगैंथोपिथेकस। दोस्तों, जायगैंथोपिथेकस एक हर्बीवोरस एनिमल्स हुआ करते थे, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि ये डेंजरस नहीं थे, क्योंकि इनका साइज 10 फीट तक हुआ करता था और माना जाता है इनका बिहेवियर बहुत ही अग्रेसिव हुआ करता था, और ये मॉडर्न डे बियर्ड्स और गोरिल्लास से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे। दोस्तों, ये आज से 1,00,000 साल पहले इस दुनिया में रहा करते थे। इनका इस दुनिया से एक्सटिंक्ट होना एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इनके एक्सटिंक्ट होने की वजह किसी को भी नहीं पता, लेकिन काफी लोगों का दावा है कि ये आज भी जिंदा है और इन्हें काफी जगह पर देखा गया है। इन्हें लोग बिगफुट और येती के नाम से भी जानते हैं। नंबर 3, मार्सुपियल लायन। एक बात मैं आपको बता दूं कि इनका लायन से दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि ये एक मार्सुपियल मैमल थे। मार्सुपियल ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जिनके बच्चे अपने शुरू के दिन मदर्स के पाउच में स्पेंड करते हैं। ये भी ऑस्ट्रेलिया में रहा करते थे, जहाँ आज भी मेजोरिटी ऑफ मार्सुपियल एनिमल्स रहते हैं। इस दुनिया की हिस्ट्री में इनसे ज्यादा खतरनाक और बड़ी कार्निवोरस मार्सुपियल स्पीशी नहीं आई। इनके पास बेहद ही शार्प दांत हुआ करते थे, जो इन्हें एनिमल्स को चीरने में मदद करते थे, लेकिन इसी दौरान इंसानों ने उन एनिमल्स का हद से ज्यादा शिकार करना शुरू कर दिया जो इनकी डाइट हुआ करते थे। इसी वजह से ये इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए। नंबर 2, जायंट शॉर्ट फेस बियर। अगर हम बात करें बियर्स की सबसे बड़ी और खतरनाक मॉडर्न डे स्पीशी के बारे में, तो वो पोलर बियर है, जो एंटार्क्टिका जैसे ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। लेकिन ये है जायंट शॉर्ट फेस बियर नामी बियर्स की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक स्पीशी। इनका साइज पोलर बियर से डबल था, और जब ये खड़े हुआ करते थे तो इनकी हाइट 2 इंसानों के बराबर हो जाया करती थी। वेल, मॉडर्न डे बियर्स की एवरेज स्पीड 25 माइल्स पर आर होती है, लेकिन जायंट शॉर्ट फेस बियर इतने बड़े होने के बाद भी 40 माइल पर आर की स्पीड रीच कर लिया करते थे। ये बियर्स नॉर्थ अमेरिका रीजन में पाए जाते थे, लेकिन 12,000 साल पहले इंसानों ने उन एनिमल्स का शिकार करना शुरू कर दिया जो इनकी डाइट हुआ करते थे। इसीलिए डाइट पूरी ना होने और आइस एज के बाद मौसम बदलने की वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 1, नूरालगस रेक्स। दोस्तों, ये रैबिट्स की अभी तक की डिस्कवर हुई सबसे बड़ी और खतरनाक स्पीशी है। इनका वजन फ्लेमिश रैबिट से डबल हुआ करता था। ये पहले रेक आइलैंड्स के एक आइलैंड मेनोर्का पर रहा करते थे। ये दुनिया में पाए गए अभी तक के सबसे बड़े लेगोमॉर्फ हैं। लेगोमॉर्फ ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जिनके 2 बड़े इनसाइडर टीथ होते हैं। ये इस दुनिया में करीब 3 से 5 मिलियन ईयर्स पहले रहा करते थे, मगर इतना बड़ा और डेंजरस होने के बावजूद ये हर्बीवोरस हुआ करते थे। ये अप्रोक्स 5 मिलियन ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहोगे। मिलेंगे एक और नई वीडियो में।